नमस्कार दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक कंपनी डीमार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये डीमार्ट रिटेल चेन बिजनेस में है, जैसे आपने रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट वगैरह कंपनियां देख रही हैं, उसी तरह डीमार्ट है जो कि रिटेल स्टोर चलाती हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में डीमार्ट का भाव 1784 रुपया चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ जो कि डीमार्ट 1784 रुपये में चल रहा है, संभावना है 2031 तक इसके एक शेयर का भाव 9200 रुपये चला जाएगा। आश्चर्य हो रहा है ना? लेकिन ये आश्चर्य नहीं होगा जब 2031 में हम लोग इसको कम से कम 9200 रुपये पर शेयर के भाव पर एक्सचेंज में ट्रेड करते हुए देखेंगे। दोस्तों, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये जिस गति से अपने बिजनेस बढ़ा रही है, रिवेन्यू बढ़ा रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसको देखते हुए डेटा को एनालाइज किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डीमार्ट का जो है 2012 से लेकर के 2019 तक रिवेन्यू या सेल्स जो है बीएससी के वेबसाइट से लिया गया है। बीएससी में आप देख सकते हैं इसके डेटा को। डीमार्ट को ही एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, फिनेंशियल में जाइए, फिर रिजल्ट में जाइए, मूल ट्रेंड देखिए। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं जो डेटा है 2019 से 2017 तक का डेटा यहाँ पर है। ये 2017 में जो है लगभग 11,881 रुपया 12 पैसे था। ये सब डेटा जो है वहीं से कॉपी पेस्ट करके लिया गया है, जिसे 2019 का 19,916 करोड़ है, ये देखिए यहाँ पर यहाँ से लिया गया है। ये ईपीएस भी ये जो देख रहे हैं 2019 में 15, 2018 में 12 के लगभग, और ये 8 के लगभग में है। सेम डेटा जो है ईपीएस में 15, 12, 8 के आसपास लिया गया है। सब एक्सचेंज साइट से ही डेटा लिया गया है। अब इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 2012 में ये लगभग 2200 करोड़ का बिजनेस करते थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 2019 में लगभग 19,916 करोड़ का बिजनेस ये साल भर में कर रहे हैं। वर्तमान में इनके पास 189 स्टोर्स हैं और ये लोग हर साल जो है अपने स्टोर्स की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। इनका जो सेल्स ग्रोथ है 13 में 12 के अपेक्षा 51% ज़्यादा हुआ, इस तरह करके ये देखिए सारे सेल्स ग्रोथ यहाँ पर निकाले गए हैं, जिनका एवरेज जो है 37.1% के रेट से ये इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है। और इनका रिवेन्यू जो है सीएजीआर
रिस्पेक्ट में 31.64% पर एनम से ये ग्रो किया है। अब इनका प्रॉफिट देखिए, ये 2012 में लगभग 60,000 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, अब 2019 तक आते आते 7 सालों में ये 936 करोड़ का ये प्रॉफिट कर रहे हैं। इनका ईपीएस भी जो है लगभग 37.56 सीएजीआर के रेट से बढ़ा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 2017 से ये कंपनी लिस्ट हुई है, 2017 में इनका जो है शेयर का हाई प्राइस 641 रुपये गया था और लो प्राइस 614 रुपये गया था। अब इस हिसाब से हम लोग अब देखते हैं तो अभी इनका क्वार्टरली रिजल्ट की घोषणा सितंबर और जून क्वार्टर की घोषणा होगी, उसमें इन्होंने ईपीएस जून में 5.37 और सितंबर 2019 में 5.34, यानी कि हाफ ईयरली ईपीएस इनका ऑलरेडी 10.71 रिपोर्ट हो चुका है। चूँकि ये लोग अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा रहे हैं, लगभग 32% सीएजीआर के रेट से, तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये ईपीएस जो 2020 मार्च में ये रिपोर्ट करेंगे वो लगभग 20.55 रुपीज़ का आएगा। तो उस हिसाब से 2020 तक जो इनका जो है प्राइस जो है 1886 रुपये आएगा। अब दोस्तों, अब हम लोग 2031 की बात करते हैं, क्योंकि ये लोग लगभग 32% सीएजीआर की रेट से जो है अपना रिवेन्यू बढ़ा रहे हैं, तो उसको 32% नहीं मान करके हम लोग अगर 20% ही माने एवरेज में, तो एवरेज के हिसाब से भी ये 2031 तक जो अभी ये 20.55 ईपीएस रिपोर्ट कर रहे हैं, वो 2031 तक 152 रुपये 70 पैसे के आसपास ये ईपीएस रिपोर्ट करेंगे। उस हिसाब से इनका एवेन्यू सुपरमार्ट का एक शेयर का मिनिमम प्राइस 9,319 रुपये आता है और हाई प्राइस की कल्पना भी नहीं किया सकती है, वो तो इनके एक्चुअल ईपीएस पर तय होगा। ये काफ़ी कंजर्वेटिव ईपीएस रखा गया है, 20% सालाना ग्रो करेगा कंपनी तब 152 आएगा, अगर उससे ज़्यादा ये कंपनी ग्रो करता है जिसकी संभावना ज़्यादा है तो इस शेयर का भाव कम से कम 9,300 रुपये आता है। इसलिए ये आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि जो शेयर आज डीमार्ट का 1784 रुपये में ट्रेड कर रहा है वो 2031 में 9,300 रुपये लगभग ट्रेड करेगा। उम्मीद है हमारा ये कैलकुलेशन आपको पसंद आया होगा और ये बात भी सही लग रही होगी, ये दमखम रखता है डीमार्ट का शेयर कि 2031 में ये 9,300 रुपये के भाव पर ट्रेड करेगा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।